नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्राव्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन पर। सबसे पहले मेरा प्रणाम मेरे गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और पूरे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट और मास्टर्स को है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल श्राव्य मौलिका, मेरे यूट्यूब चैनल श्राव्य मौलिका को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। और मेरा एक और निवेदन है कि आप सब लोग जाकर सारे पीएमसी चैनल्स और बीए मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन चैनल्स पर बहुत ज़्यादा बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स के अनुभव जो है वो उन्होंने कलेक्ट किए हैं और पब्लिश किए हैं। और हर रोज़ इतने मास्टर्स के, इतने सारे मास्टर्स के अनुभव वहाँ पब्लिश होते हैं कि सब अपने आप में एक अनमोल है। तो कोई भी इस सज्जन सांगति के इस विभाग को मिस ना करें और जाकर सारे वीडियोस भी सुने, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ, हमें नहीं पता कि कौन सा वीडियो हमारे लिए कब कैसे एक प्रेरणा दे जाए, हमारे लिए एक होप बन जाए या हमारे जीवन का एक मार्गदर्शन ही दे जाए। तो दोस्तों, अभी विलंब ना करते हुए हम जाएंगे सीधा अपने टॉपिक की तरफ, आज का मुख्य विषय की तरफ। और आज का मुख्य विषय है जीवन की कठिन परिस्थितियाँ। टॉपिक में जाने से पहले, आज के विषय में जाने से पहले हम एक उदाहरण देखेंगे। हम सब, हमने अपने बचपन में, मतलब हमारे स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, यूनिवर्सिटी के टाइम में, सबने एग्जाम्स दिए हुए हैं, सबने परीक्षा लिखा हुआ है। तो साल भर, मतलब पूरे 12 महीने 11 महीने जो है, हम पूरी तरह से प्रेपरेशन करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ताकि वो परीक्षा का महीना जो है उसमें हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए हम अपने आप को पूरे साल ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के पीरियड में हमारे पास पुस्तक होते हैं, दोस्त होते हैं, अध्यापक होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, सब लोग होते हैं हमारे साथ, जो भी हमें इस पर हमारी मदद कर सके। लेकिन परीक्षा के समय कोई नहीं होता है, कोई पुस्तक नहीं होते हैं हमारे साथ, कोई लोग नहीं होते हैं, हम अकेले बैठकर अपनी परीक्षा लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो परीक्षा का समय है, एक ऐसा समय है जहाँ हमें जो भी हमने सीखा हुआ है उसे प्रदर्शन करने का हमारे पास वो एक मौका है। और जितना हम स्कोर करेंगे उतना ये वहाँ प्रूफ होगा कि हमने उतनी अच्छी ज्ञान, उतना अच्छा ज्ञान अर्जित किया है उस विभाग में। इसी तरह से ये जो जीवन है पृथ्वी पर, ये है परीक्षा का समय, ये है वो 3 घंटे का समय जहाँ एक इंसान अपने स्कूल या कॉलेज में परीक्षा लिखता था। तो इस पृथ्वी का पूरा समय है परीक्षा का समय। तो ट्रेनिंग का, हम कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, कहाँ हम सब सीख कर आते हैं? हमारे जो ऊपर हायर वर्ल्ड्स हैं, उन वर्ल्ड्स पर हम सब कुछ सीख कर आते हैं। वहाँ पूर्ण सत्य होता है, पूर्ण रूप से ऊर्जा होती है, जहाँ यहाँ पूरा साल में पुस्तक मिलते हैं, अध्यापक मिलते हैं, दोस्त होते हैं, सभी सहायता करने के लिए होते हैं सीखने के लिए। उसी प्रकार उस ऊपर के उस लोक पर हमें सारी जानकारी, सारा ज्ञान, सारा सत्य, ऊर्जा, सब कुछ हमारे पास होता है, सब कुछ हम जानते हैं, सब एक्सेसिबल होता है। तो वहाँ हम जो है हम ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी लोक पर आते हैं तो यहाँ आने के पश्चात ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्यों आए हैं, लक्ष्य क्या है, सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन फिर से जब एक मनुष्य ध्यान में आता है तब उसे सब याद आता है, या सज्जन सांगत्य करता है या कोई पुस्तक पढ़ता है तब उसे याद आता है कि अरे मैं यहाँ आया क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार हमें परीक्षा के समय, उस समय में जो भी हमें याद है, जो भी हमने सीखा है उसके आधारित हम लिखते हैं, उसी प्रकार जब हम भूमि में आते हैं हमारे अंदर वो सारी ट्रेनिंग, जो भी हम ट्रेन हुए होते हैं वो सारे हमारे अंदर होती है। लेकिन जितना हमें याद होता है उसके हिसाब से हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति जब ध्यान में आ जाए, स्वाध्याय में आ जाए, सज्जन सांगत्य में आ जाए, उसे हर क्षण अपने आप को वो सत्य के साथ ज्ञात करता ही रहता है। और यहाँ जो भी परिस्थितियाँ हो, जो भी मनुष्य हो, सब है परीक्षा का एक एक सब्जेक्ट।
जब आप परीक्षा में वो 3 घंटे बैठते हैं, आप यही सोचते हैं कि किस प्रकार इस 3 घंटों में मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और निकल जाऊँ अच्छे नंबर के साथ। इसी प्रकार जब हम यहाँ भूमि पर हैं, हर एक परिस्थिति को, मुश्किल परिस्थिति को, मुश्किल लोगों को, कठिनाइयों को एक परीक्षा की तरह देखना है, क्योंकि यहाँ वो परीक्षा ही है। जितना हमें सत्य ज्ञात होगा और जितना हम चाहेंगे कि सत्य के मार्ग में रहे, उतनी हम अच्छी तरह से परीक्षा दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कठिनाइयाँ आती है और हम भूल जाते हैं कि हम आत्म पदार्थ हैं, हम सोचते हैं हम ये देह हैं, और उस परीक्षा वो परीक्षा हम ठीक से नहीं देखते हैं, मतलब उस समस्या का हम ठीक से उस रूप पे हम संतुलित रूप से उसका सामना नहीं करते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कोई पैटर्न्स देखे हो, तो आप हमेशा हम देखते हैं कि कोई एक कठिनाई या किसी एक तरह की चीज़ जो हमें परेशान करती है, वो हमेशा 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 आती ही रहती है। क्यों इतनी बार आ रही है, क्यों वो चली नहीं जाती एक बार आने के बाद? क्योंकि हमने हमारा पार्ट अभी उससे सीखा नहीं है, हमने वो कंप्लीट नहीं किया है। अभी देखो, हम कोई परीक्षा लिखते हैं, इंजीनियरिंग में कोई परीक्षा लिखते हैं, अगर हम वो परीक्षा पास नहीं हुए तो क्या होता है, 6 महीने बाद या 1 साल बाद हमें फिर से वो लिखना होता है ना? क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हमें इसे वो क्लियर करना है। जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक परीक्षा लिखनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार से यहाँ अगर कोई समस्या आ रही है या कोई इंसान से हमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी रिपीटेडली कुछ आ रहा है, उसका संकेत है, मतलब प्रकृति बता रही है आपसे हमेशा कि अभी आपने वो पार्ट सीखा नहीं है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप उसमें सफल नहीं हुए हो। इसीलिए बार 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 एक ही तरह की समस्या आ रही है। जब हम आराम से देखेंगे कि उससे हमसे हमें सीखना क्या है, सत्य को जब हम आगे लाएंगे, बुद्धि को आगे लाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन में रखेंगे, और जब हम उस समस्या से पूर्ण रूप से सब कुछ सीख जाए, तो फिर से समस्या वापस नहीं आएगी। हाँ, एक और समस्या ज़रूर आएगी। अब जैसे हम एक सब्जेक्ट हम लिख देते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट पास कर जाते हैं तो सेकंड क्लास में जाते हैं, वहाँ परीक्षा देनी पड़ती है, फिर थर्ड क्लास में जाते हैं, टेंथ हो जाता है, इंटरमीडिएट में जाते हैं, वो हो जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, वो हो जाते हैं, MBA में जाते हैं, जितना भी जाओ आगे परीक्षा होती ही रहती है अगर हम यहाँ पर हैं तो, अगर हम पढ़ रहे हैं तो। उसी प्रकार अगर हम भूमि पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो हमारी मृत्यु तक हमें एक के बाद एक परीक्षा तो आती ही रहेगी। लेकिन समझदार इंसान वो, मास्टर वो, जो ये याद रखे कि हाँ, भूमि का समय है परीक्षा का समय, और परीक्षा के समय में अच्छे अंक से, मतलब सत्य को ज्ञात करते हुए, अच्छी तरह से हमें सत्य के साथ रहते हुए, धर्म के मार्ग पर रहते हुए, आध्यात्मिकता के मार्ग में रहते हुए, स्वयं की सहायता करते हुए, सबकी सहायता करते हुए जब हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तब सहायता सफलता जरूर पाएंगे। उन्नत अंक के साथ, मतलब सबसे अच्छे नंबर के साथ हम पास होंगे। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है उसे मुंह ना मोड़े, बल्कि उसका सामना करे सत्य के साथ, धर्म के साथ, अपने दायित्वों को निभाते हुए। कठोर और सख्त ना बने कि अरे ये आ गया, अब मैं और कठोर बनूंगा। स्वाभाविक रूप से कुछ होता है तो होने दीजिए, लेकिन अगर कुछ भी आपके सामने आ रहा है तो उसे ज्ञान के साथ, सत्य के साथ, धीरज के साथ, ऊर्जा के साथ उसका सामना करें, उससे सीखें, जो भी आप सीख सकते हो, जितना भी आप सीख सकते हो। और जिस उद्देश्य से आप भूमि पर आए हो, परीक्षा देने के उद्देश्य से, उसे सफलतापूर्वक आप पूर्ण करें। अगर पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर से एक और जीवन देना पड़ेगा, एक और लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हम फॉर्चुनेटली ध्यान में आ चुके हैं, तो इसका पूर्ण लाभ उठाए और हर एक समस्या को, हर एक हार्डशिप को, मुश्किल परिस्थितियों को, लोगों को सत्य के साथ उनका सामना करे, सीखे, सिखाए, स्वयं की सहायता करे, सबकी सहायता करे, और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करे। तो दोस्तों, अभी हमने जो भी ज्ञान हमने आज हासिल किया है, उसकी ऊर्जा के साथ हम सब अभी ध्यान में बैठेंगे। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ध्यान में बैठ जाए, उंगलियों में उंगलियाँ डालें, पैरों को क्रॉस करें, आंखें बंद करें, कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, अपनी पूर्ण दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने सरल
और सहज श्वास पर रखे, कोई भी आंखें ना खोले, सांसों के साथ एक हो जाए, ध्यान में निमग्न हो जाए, सांसों की धारा और मन की धारा को एक बनाए, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करें। अभी हम सब लोग सामूहिक ध्यान करेंगे, कोई भी आंखें ना खोले। कोई सोच विचार नहीं, अपनी पूर्ण दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर, कोई भी आंखें ना खोले, सांसों के साथ एक हो जाए,
कोई सोच विचार नहीं, अपनी पूर्ण दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर। सांसों के साथ एक हो जाए, कोई भी आंखें ना खोले।
कोई सोच विचार नहीं, ध्यान में निमग्न हो जाए, अपनी पूर्ण दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर, कोई भी आंखें ना खोले।
आखिरी 2 मिनट ध्यान में बने रहे, कोई भी आंखें ना खोले। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी आंखें खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज आप सब लोग इस सेशन पर सम्मिलित हुए। फिर से हम कल मिलेंगे ठीक 7 बजे। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।